रूल नंबर 13, इसमें आप सीखेंगे डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। पहचान क्या रहेगी? हिंदी वाक्य के लास्ट में ता, ती और ते के बाद हैं, हूँ, हो जाए, हैं, हूँ और हो जाए। और ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, हिंदी में नहीं लिखा हो। और तीसरी कंडीशन, जो सब्जेक्ट हो यानी जो वाक्य की शुरुआत हो वो किसी कहा जाए कि थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट से हो, थर्ड पर्सन प्लूरल से, या कि फिर प्लूरल सब्जेक्ट से हो यानी बहुवचन से हो। ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आएगा? दे आएगा। या कि थर्ड पर्सन प्लूरल हो जो दे कहलाता है, या फिर आई का यूज किया गया हो। यहाँ पे देखें, फोर्थ कंडीशन आप ध्यान रखें, सब्जेक्ट आई हो, यू हो, वी हो, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे लड़के लड़कियाँ, ऐसे करके हिंदी वाक्य में लिखा हो, वी मतलब हम लिखा हो, यू मतलब तुम लिखा हो, आई मतलब मैं लिखा हो। ठीक है, तो ये सारी अगर चीज़ें हिंदी में लिखी हो तो आप अलर्ट हो जाएं, जान जाएं, पहचान जाएं कि अब हम जब इसको मेक करेंगे तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज जरूर करना पड़े। तो चलिए इसको मेक करते हैं। उससे पहले जितना भी वर्ड लिखा हुआ है इसको आप कन्वर्ट करिए पहले इंग्लिश में। वे को दे बोलते हैं। अंग्रेजी के लिए आपको इंग्लिश लिखना है, नहीं के लिए नॉट, इसके साथ डू जरूर यूज करें। पढ़ते को रीड बोलते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, और है के लिए आपको कुछ भी यूज नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ पहचान बताएगा कि हमें डू नॉट यूज करना है कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर जब इसका आपको मेक करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डू नॉट प्लस V1 फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड। अब आती है बात सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे। तो जो हिंदी वाक्य लिखा होगा तो जो पहला वर्ड लिखा रहेगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? दे है। ठीक है, फिर उसके बाद डू नॉट यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पहचान के लिए। आपको जाए कि हैं, हूँ, हो कि जस्ट बिफोर जो भी पहला शब्द लिखा होगा वही आपको वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पे रीड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जितना बचेगा उसको आपको फिर पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो चलिए मेक करते हैं। तो पहले लिखिए दे, दे डू नॉट, देन ऑब्जेक्ट, दे डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड, दे डू नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है, और इस प्रकार ये सेंटेंस जो है चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं काम नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे मैं को इंग्लिश में आई बोलेंगे, काम को वर्क, WORK, नहीं के लिए डू नॉट यूज करना है आपको। रीजन क्या है? यहाँ पे मैं आ गया है, आई, वी, यू, दे, या फिर कहा जाए कि प्लूरल सब्जेक्ट जितना भी यूज होगा उसके साथ डू नॉट ही लिखना है। करना को यहाँ डू, इसको आपको इग्नोर करना है। तो ये आपका फर्स्ट कहला गया सब्जेक्ट, ये हुआ। देन डू नॉट यूज करना है सेकंड पे, देन उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करना है थर्ड नंबर, और ये आ गया वर्क, ये आपके फोर्थ नंबर पे पुट होगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पे पुट करिए, लिखिए सब्जेक्ट, देन डू नॉट प्लस V1 फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड। ठीक है, चलिए रखते हैं। आई, आई डू नॉट, आई डू नॉट डू, फिर यहाँ पे आ जाएगा वर्क। चलिए दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए ये रहे। तुम पत्र नहीं लिखते हो, ठीक है, वे कार नहीं चलाते हैं, लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे बात नहीं करते हैं, वे लड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।